नमस्कार दोस्तों, खबरलोक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरलोक चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में हम दो गुड्डाखोर जी की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। पिछले माह 15 सितंबर को व्यापारी से हुई लूट के मामले का खुलासा करने और इलाके के गाँव में प्रस्तावित निमका थाना जिले में शामिल करने के विरोध में शुक्रवार को गुड्डाखोर जी बंद रहा। दोपहर 3 बजे गुड्डा के बाजार बंद रहे। इस दौरान व्यापारियों व आमजन ने सड़क पर बैठकर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की। बंद के दौरान पोदार प्लाजा के सामने विरोध सभा हुई। सभा में पूर्व विधायक सुकरण चौधरी ने कहा कि गुड्डाखोर जी पुलिस थाने के नाक के नीचे आए दिन वारदातें हो रही है, लेकिन पुलिस कुछ भी नहीं कर पा रही। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ने से आमजन व व्यापारी दहशत में है। व्यापारी मंडल के अध्यक्ष गणेश गुप्ता ने कहा कि सभी व्यापारी एकजुट होकर यह लड़ाई लड़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। पूर्व सरपंच ओम प्रकाश महला ने प्रस्तावित निमका थाना जिले में जोड़ने का विरोध करते हुए कहा कि ऐसा हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। पूर्व सरपंच प्रहलाद गिल भोड़की ने कहा कि प्रत्येक गाँव से एक हस्ताक्षर अभियान चलाकर उदयपुरवाटी SDM को ज्ञापन दिया जाएगा। अब हम लोग इस बात के लिए धरना देकर बैठे हैं कि गुड़ा की पुलिस हमारी चोरियां और हमारी डकैती पकड़वा दे। एक बात आप लोगों को सजग और सावधान होने के लिए बता देता हूं कि जिस बच्चे का कल परसों किडनैप हुआ, अपहरण हुआ, तो दिमाग में मत निकाल देना झुंझुनू का और सीकर का SP जाके वहां कालर खड़ी कर करके मालाएं पहन रही हैं, पहन रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। ये सारा का सारा काम जनता की जागरूकता की वजह से हुआ है। अब आप अपनी चोरी की चिंता खुद करो, डकैती के लिए आप अपनी टीमें बना के कोई ना कोई रास्ता निकालो, और जैसा तय हुआ था आज के 7-8 दिन पहले कि सारा व्यापारी बंद वर्ग एक साथ जाजिम पर बैठकर यह आंदोलन करेगा, माफ करना आपको बुरा लगेगा, पर उस दिन मीटिंग में जितने लोग थे आज धरना स्थल पे इतने लोग नहीं है। इसका मतलब कि आपने भी तय कर लिया पुलिस प्रशासन जो करे उसी को अपने को बर्दाश्त करना है, या जो लोग चाहते हैं वही अपने को मानना है। इनके भरोसे बैठ के मानोगे तो तय ये कर लो कि 5-7 दिन में किसका नंबर और आने वाला है। जागरूक रहोगे, एक साथ एकजुट रहोगे तो कम से कम आगे तो एक काम रुकेगा। और ये लोग जो यहां से 100 मीटर दूर पे बैठते हैं, इनका काम तो मालाएं पहनना है, माला पहनानी हो तो तैयार है, काम इनके बस का कोई नहीं है। ये ना डकैती खोल सकते, ना चोरी खोल सकते, ना गुंडागर्दी रोक सकते। सुबह में आया तब से लेकर ये मैं पहली बार देख रहा हूं। मैं सुबह 8 बजे आया तब से लेकर 12 से ज्यादा बज रहे हैं। कम से कम 150 डंपर यहां से 30-30, 40-40, 50-50 टन ओवर लोड के भर के जा रहे हैं। कितने पैसे की बंदी ले रखी है मुझे नहीं पता, पर ऐसा मैंने गुड़ा में आज तक कभी पहले नहीं देखा। ओवर लोडिंग सरेआम हो रही है, दुर्घटनाएं हो रहे हैं, उन ओवर लोड डंपरों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई इनके फर्क पड़ने वाला नहीं, इनके कान में जू तक नहीं रेंगने वाली। और तो और जहां से डंपर आ रहे हैं, जहां से बजरी आ रही है, वहां पर क्षेत्रीय विधायक ने गुंडों की टीम खड़ी कर रखी है और पुलिस वाले जाके उनको हफ्ता वसूली करवाते हैं। आपकी चोरियां पकड़ेंगे कैसे? ये तो नदी में बैठे हैं सारे। जो पैसे नहीं देगा उसके मुकदमा लगाएंगे, उसको पीटेंगे और जाके उन गुंडों को पैसा दिलवाएंगे। इस प्रकार की हफ्ता वसूली जहां होने लग जाए, जहां हत्याएं होने लग जाए, इंसानों के साथ अपहरण होने लग जाए। अगली खबर ये है कि शनिवार को गुड्डाखोर जी के छऊ गांव में एक और बड़ी घटना देखने को मिली। बिजली की जो लाइन लगी हुई है उनकी समय समय पर मेंटेनेंस न होने की वजह से कुछ दिन पहले गुड्डाखोर जी के टिटनवाड़ में हादसे से परिवार के 2 जनों की मौत हो गई। टिटनवाड़ की जो घटना थी उसकी भी पुनरावृत्ति होते हुए देखने को मिल सकती थी, क्योंकि गुड्डाखोर जी के नजदीकी गाँव छऊ में बिजली लाइन का तार टूटने से खेत में पड़े कड़बी के पुलों में आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि खेत की जो तारबंदी की हुई थी उसमें पूरी में करंट फैल गया।
गनीमत ये रहा कि वहां पर कोई आदमी या पशु उपस्थित नहीं था, जिस वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह एक बहुत बड़ी समस्या है जो अपन को इस टाइम देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि बिजली विभाग इस पर थोड़ा ध्यान दे और ध्यान दे कि जहां भी बिजली की लाइनें मेंटेनेंस मांग रही है, उनकी समय समय पर मेंटेनेंस की जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।